हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप मतलब वीवो Y28 5G फ़ोन है। तो वीवो Y28 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में वाईफाई की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं और वाईफाई नेटवर्क सेटिंग्स को आप कैसे रीसेट कर सकते हैं अपने अपने वीवो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि वाईफाई प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना होगा सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो वाईफाई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिंपली सिस्टम सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, जहाँ से आपको रीसेट ऑप्शंस पे जाना है और रीसेट ऑप्शंस के जरिए वाईफाई की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं और फ़ोन में वाईफाई प्रॉब्लम्स को लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके से फ़ोन में वाईफाई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे यहाँ से, और वाईफाई की प्रॉब्लम्स को इसके जरिए सॉल्व कर सकते हैं और वाईफाई ऑल नेटवर्क सेटिंग्स को आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं और रीसेट करते ही वाईफाई की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और जैसे अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो यहाँ से सर्च करके भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं। बस आपको रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ से डायरेक्टली सेटिंग्स पे जाकर वाईफाई ऑल नेटवर्क सेटिंग्स को आप यहाँ से रीसेट कर पाएंगे। और कुछ इस तरीके से पासवर्ड डाल के और नेटवर्क सेटिंग्स पे जा सकते हैं और ऑल नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट भी कर सकते हैं, जिससे वाईफाई की प्रॉब्लम से आपके फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से वाईफाई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।